हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, अनअकैडमी ऐप और यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। आज 15 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द जनरल कैटेगरी। दिस कम्स ए डे आफ्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गेव हिज असेस्ट टू द बिल। गुजरात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह फैसला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर अपनी सहमति देने के एक दिन बाद आया है। नेक्स्ट, सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग लॉन्च्ड द वन फैमिली वन जॉब स्कीम अंडर विच फॉर एवरी फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब हैज बीन अलॉटेड इन गंगटोक। न्यू रिक्रूट्स वर टेकन फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन 12 डिपार्टमेंट्स। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की। इसके तहत गंगटोक में प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। 12 विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए नई भर्ती निकाली गई थी। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लॉन्च्ड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज बी द वॉइस ऑफ इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। युवा मामलों और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2019 का शुभारंभ किया। इस समारोह का विषय है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी है। नेक्स्ट, बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी विल हेड द 7 मेंबर कमेटी टू लुक इनटू रिवेन्यू शॉर्टफॉल बीइंग फेस्ड बाय द स्टेट्स आफ्टर द जीएसटी रोल आउट एंड सजेस्ट स्टेप्स फॉर ऑगमेंटिंग कलेक्शंस। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों में हो रही राजस्व की कमी की निगरानी और संग्रह में वृद्धि के लिए सुझाव हेतु गठित 7 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट, ए 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली फोकसिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच 2+2 इंटरसेशनल बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति के मुद्दों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट, द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्चेज ए न्यू इनोवेशन स्ट्रेटेजी एट रायसीना डायलॉग 2019 इन न्यू दिल्ली। द इनिशिएटिव इज टाइटल्ड एज फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2019 में एक नई नवाचार रणनीति शुरू की। पहल का शीर्षक फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति
India's largest software exporter Tata Consultancy Services has appointed Don Chalan as an additional and independent director for a period of 5 years, based on the recommendations of the Nomination and Remunerations Committee. भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉन कैलहन को नियुक्त किया है. नेक्स्ट अवार्ड्स पुरस्कार. राइटर नमिता गोखले हैज वॉन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर हर नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड. She was awarded in the Best Book of Fiction Written by a Woman Author category at the inaugural edition of Bhopal Literature and Art Festival BLF. लेखिका नमिता गोखले ने अपने उपन्यास Things to Leave Behind के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है. भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल BLF के उद्घाटन संस्करण में उन्हें बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटेन बाई ए वुमेन से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द फर्स्ट एवर फिलिप कोटर प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन न्यू दिल्ली. द अवार्ड फोकस्ड ऑन द ट्रिपल बॉटम लाइन ऑफ पीपल प्रॉफिट एंड प्लेनेट. इट विल बी ऑफर्ड एनुअली टू द लीडर ऑफ ए नेशन. द साइटेनियर मेंशन इनिशिएटिव्स सच एज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्वच्छ भारत. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया. पुरस्कार लोगो, लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित है. यह प्रतिवर्ष एक राष्ट्र के नेता को प्रदान किया जाता है. उद्धरण में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी पहलों का उल्लेख है. नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार. महाराष्ट्र टॉप्ड द मेडल टैली विद 37 गोल्स एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन पुणे. इट हैड 111 मेडल्स इन इट्स किटी विद 37 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 43 ब्रॉन्ज. दिल्ली वाज एट सेकेंड पोजिशन विद 35 गोल्ड एंड हरियाणा टू मेंटेन्स इट्स थर्ड पोजिशन विद 29 गोल्ड्स. पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 37 स्वर्ण के साथ महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. इसके पास 37 स्वर्ण, 31 रजत और 43 कांस्य के साथ 111 पदक थे. दिल्ली 35 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा भी 29 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा है. नेक्स्ट गुड़गावाज 8-year-old कार्तिक सिंह हैज वॉन द अंडर 8 कैटेगरी एट द किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस किड्स गोल्फ इन मलेशिया विच मेक्स हिम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द टाइटल. गुड़गांव के 8 वर्षीय कार्तिक सिंह ने मलेशिया में यूएस किड्स गोल्फ द्वारा आयोजित अंडर 8 वर्ग में किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. वह यह खिताब जीतने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बन गए हैं. नेक्स्ट और लास्ट न्यूज. बेंगलुरु रिपोर्टर्स हैव वॉन दियर फर्स्ट इवर प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL टाइटल. इन द टाइटल क्लैश प्लेड एट बेंगलुरु, बेंगलुरु एज्ड आउट मुंबई रॉकेट्स विद ए 4-3 विन. बेंगलुरु रैप्टर्स ने अपना पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL खिताब जीता है. बेंगलुरु में खेले गए खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर जीत दर्ज की. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स है और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें. जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.